बीते दिन अलहदादपुर के पार्षद द्वारा नगर निगम के स्टोर रूम में निर्माण विभाग के मेट मेवालाल को जान से मारने की धमकी देने के मामले में निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा दोषी पार्षद पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया था। मामले में उच्च अधिकारियों के आश्वासन पर स्थानीय थाने में दोषी पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। शनिवार को पीड़ित निर्माण विभाग के कर्मचारी के पक्ष से बात करते हुए जलकल एम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष रामाधार पटेल ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और उप मुख्यमंत्री के आगमन की वजह से हमने आंदोलन स्थगित किया है। मंगलवार को पार्टी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक किया जाएगा। जब तक पार्षद के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित मेट मेवालाल और अध्यक्ष जलकर एम्प्लाइज यूनियन रामाधार पटेल ने कहा, उस पर जो है जो चाहिए वो उस पर वह कार्रवाई नहीं हुई है। जानलेवा हमला हुआ हमारे ऊपर, सरकारी काम में बाधा भी डाले हैं जिसे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं इस पर, और धमकी भी आगे दिए हैं कि मार देंगे बाहर, कभी भी मार भी सकते हैं। जब तक उस पर कठोर से कठोर धारा नहीं लगाया जाएगा तब तक जो हम लोग मंगलवार की मीटिंग करके और बुधवार से धरना जो है बैठ जाएंगे, और रिवाल्वर जब तक उनका होना चाहिए निरस्त होना चाहिए। रामाधार पटेल अध्यक्ष जलकल एम्प्लाइज यूनियन। सभी संगठन के लोग जो है मिल करके इनके धरना प्रदर्शन में सब लोग शामिल थे वहाँ, और दो दिन से अनवरत कार्यक्रम चला जो है, और उच्च अधिकारियों DM साहब SSP और नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है, इस आश्वासन के साथ हम लोग अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किए हैं। अगर मंगलवार तक उस उक्त दोषी पार्षद की गिरफ्तारी नहीं होती है या उसके ऊपर कठोर से कठोर धारा नहीं लगाया जाता है तो हम पूरा अपना आंदोलन शुरू करेंगे। जो है इसमें अभी तो 353, 504, 506 की धारा लगी, मामूली धारा में अभी उनका मुकदमा हुआ है। वो जबकि जान से मारने की धमकी रिवाल्वर निकाल के सटाए थे जो है, उस धारा का सरकारी काम में बाधा, उस धारा का कहीं इसमें जिक्र नहीं है जो है। इससे हम कर्मचारियों में फिर आक्रोश है। अगर उस पर जो है धारा का परिवर्तन नहीं किया गया तो हम लोग फिर मंगलवार को एक बैठक करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर निर्णय लेंगे जो है।